पाक फौज ने आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए आवाम को महफूज माहौल फराहम किया। इससे ज्यादा अफवाज पाकिस्तान का इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं था। मुदाखलत के इल्जामात के साथ पाक फौज को बदनाम करना काबिल मजम्मत है। कुछ महदूद सियासी अनासर और सोशल मीडिया के अनासर इल्जामात में मुलविस हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया फोरम ने करार दिया। बेबुनियाद सियासी बयानबाजी और जज्बाती इश्ताल के बजाय कानूनी अमल की पैरवी की जाए। फोरम ने मरकज और सूबों में इक्तदार की जमहूरी मुंतकली पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ग्वादर के बासियों का दुख बांटने पहुंच गए। मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान। बारिश से मुतासर इलाकों का दौरा, इमदादी सरगर्मियों का जायजा। चेयरमैन NDMA की ब्रीफिंग, नुकसानात बहाली और इमदाद के कामों से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतासरीन से मुलाकात की, चेक्स तकसीम किए। शहबाज शरीफ ने कहा कि इमदादी कामों में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं यहाँ फोटो सेशन के लिए नहीं, मुतासरीन की मदद के लिए आया हूँ। सुनी इत्तेहाद काउंसिल के कोटे की मखसूस नशस्तें दीगर जमातों को अलॉट। कौमी असम्बली में पंजाब से खवातीन की दो मखसूस नशस्तें पीपल्स पार्टी एक नून लीग को मिल गई। इलेक्शन कमीशन ने सिंध असम्बली में खवातीन की दो मखसूस नशस्तें पीपल्स पार्टी और MQM को दे दी। पीपल्स पार्टी की समीता अफजल सैयद और MQM की फौजिया हमीद को मखसूस नशस्तें अलॉट। सिंध असम्बली में अकलियतों की एक नशस्त भी पीपल्स पार्टी को मिल गई। PP के सिद्धू मिल सरेंदर का नोटिफिकेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा में खवातीन की चार सीटें नून लीग को अलॉट। JUI और पीपल्स पार्टी को दो दो नशस्तें मिल गई। अपोजिशन का इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। इतवार के रोज एहतजाज की कॉल दे दी। शहरयार अफरीदी, शानदाना गुलजार और शेर अफजल मरवत की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ एहतजाज करेंगे। अवाम ने PTI को मैंडेट दिया, छीन कर नून लीग और पीपल्स पार्टी को दे दिया गया। हमने IMF से मुतालबा किया है कि इंतखाबात का ऑडिट कराएं, हुकूमत जायज है तो कर्ज दें। आतिफ खान बोले, हमसे वोट छीना गया, उसका मुकदमा सड़कों और अदालतों पर लड़ेंगे। किसी भी रुकन को उठाया गया तो असेंबलियों और सेनेट में एहतजाज करेंगे। सेनेटर इसाकदार वजीर खजाना की दौड़ से बाहर। मारूफ बैंकर मोहम्मद औरंगजेब को मामले खसूसी बनाए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक इसाकदार को आइंदा काबीना में शामिल नहीं किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ मियाँ नवाज शरीफ से काबीना अरकान के नामों पर मुशावरत के बाद ऐलान करेंगे। ख्वाजा आसिफ हसन इकबाल अता तारड़ को वजारत मिलने का इम्कान। आजम नजीर तारड़ रियाज पीरजादा मुसद्दिक मलिक के नामों पर गौर। अता तारड़ का कहना है कि अभी तक वजीरों के हवाले से कोई फैसला नहीं किया गया, ऐलान बाज़ाबता तौर पर किया जाएगा।